नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। भ्रष्टाचार का सेतु, बिहार में 1710 करोड़ का ब्रिज 14 महीने में दूसरी बार ढहा। चारधाम यात्रा 20 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद पासपोर्ट जारी, 2019 में खत्म हो गई थी वैधता। कर्नाटक में पशुपालन मंत्री ने कहा, भैंस काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। जनगणना में सामने आई जानकारी, नेपाल में हिंदू और बौद्ध कम हुए, मुस्लिम और ईसाई बढ़े। हांगकांग में थियानमेन नरसंहार की 34वीं बरसी पर प्रदर्शन, विपक्षी नेता गिरफ्तार। गुवाहाटी में तकनीकी खराबी आने के बाद इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आगे गहराएगा खाद्य संकट, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूक्रेन के हमलों से रूस के सीमाई इलाकों के नागरिक दहशत में। मणिपुर में आदिवासियों का जाम हटाने के संकेत, हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया, कर्फ्यू में भी छूट। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।